नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये बहुजन समाज की सुप्रसिद्ध नेता बहन मायावती जी का आवास है। और ये आवास आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े क्षेत्र में आवास बना है इनका। और लखनऊ के ये ऐसी जगह पे है कि यहाँ पे लोगों को ज़मीन मिलती ही नहीं है। यहाँ पे जो कमर्शियल रेट है, वो कमर्शियल रेट जो है लगभग 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है। और आज की डेट में तो ज़मीन का रेट ही मत पूछिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था, ये जो कोठी आप देख रहे हैं, ये कोठी दरअसल ऐसी कोठी बनाई गई है कि भारत के, मैं कह सकता हूँ कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखी जाए तो किसी भी लीडर की ऐसी कोठी नहीं है, वो भी लखनऊ के ऐसे क्षेत्र में। तो सभी साथियों से एक निवेदन है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि बहन मायावती जी ने, या उनका ऐसा कौन सा बिजनेस था जिससे कि उनकी जो है ये खरबों की संपत्ति बनी हुई है। अब इस मकान की कीमत नहीं लगा सकते हैं, मैं अभी थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आपको। इस मकान की कीमत आप नहीं लगा सकते हैं कि कितनी हो सकती है। लगभग जब ये बनी थी तो इसकी एक कीमत नापी गई थी 500 करोड़ की। तो बहन जी का ऐसा कौन सा बिजनेस था जिसकी वजह से इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ आवास में 500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। अब सभी साथियों को जानने और समझने की ज़रूरत है कि जो बहुजन समाज के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, तो ये ठगने वाले कौन हैं। दरअसल हमें जिसे जिसका दुश्मन बताया जाता है, मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दरअसल ये लूटने की एक नया तरीका है। और ये आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इनकी कौन सा ऐसा बिजनेस था, इनके पूर्वजों ने कौन सी ऐसी संपत्ति छोड़ी थी। और ऐसा नहीं कि इनका जो है पिछला हिसाब लोग जानते नहीं, इनका हिसाब किताब सब जानते हैं। और का हिसाब किताब सभी लोगों को पता है, किस परिवार में थी, कैसे थी, इनके पिताजी क्या करते थे। लेकिन ये इतना आलीशान मकान बनाने के पीछे का कारण क्या है? मुख्यमंत्री की कौन सी ऐसी इतनी तनख्वाह होती है, कौन सा ऐसा बिजनेस होता है जिसकी वजह से इतना आलीशान कोठी बन गया?